told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a... Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. अभी है सुबह का टाइम और मैं पीने लगी हूँ चिया सीड्स वाला वाटर. तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी आपने डाइटिंग छोड़ दी है. तो जी, मैंने डाइटिंग, तो मैं पिछले दिनों, आपको पता है ना, काफ़ी मैं बीमार रही हूँ, तो मैंने डाइटिंग तो छोड़ दी थी, लेकिन मैंने पोर्शन कंट्रोल पर हूँ. मतलब जो हेल्दी ईटिंग जो है वो मैंने नहीं छोड़ी. सो इसीलिए अपने डे का स्टार्ट मैं वैसे ही कर रही हूँ चिया सीड से. चिया सीड्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है. ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का. सो बस मैं अभी ये पीती हूँ और ये मैंने आटा निकाल लिया है, ब्रेकफास्ट बनाना है. यहाँ पर हो रहा है दूध बॉयल. तो चले जी, अपना डे स्टार्ट करते हैं. गंदी हो गई है छोटी नूर बानो. ये कौन है, ये कौन है इतनी नॉटी गर्ल? हाथ नहीं लगाओगे जी, ये नॉटी गर्ल कौन है? माशाल्लाह, खेलने के लिए ना हर वक्त तैयार रहती है कि बस खेलना स्टार्ट कर दूं मैं. ओ लो, ओ मारे, देखे छुड़ाना. नूर बानो, छोटी सी नूरी, नीचे गिरते हैं ना, नीचे गिरते हैं ना, इनके अंदर ना सीटी के मार लिया थी. आती है, एक मिनट रुको. तुतीशी मामा, ये देखे मेरे साथ लड़ाई कर रही है. देखे देखे खुद है. अभी ये 1 month के भी नहीं हुए माशाल्लाह. ओ धम धम. काका, आप तो लगता है मेरी फ्रेंड बन जाओगी. आप तो मुझे लगता है मेरी फ्रेंड बन जाओगी, इतनी प्यारी फ्रेंड बन जाओगी आप. ओ माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह. पीनी खाला का देखो, पीनी खाला आ रही है. गुस्सा, अच्छा ब्राउनी वाली आदतें हैं. किसकी? पीनी खाला की? इसकी. अच्छा, वैसे ही बिल्कुल नूर की तरह गंदा मुंह रखती है. पूरी नूर पर गई है. बाल भी या माथे पर वैसे ही होते हैं. इतना वाला काका, और ये कौन है? ये छोटा स्कूबी है, ये छोटा स्कूबी है. चलो चले, चलो जाते हैं. वो देखे देखे भाई से लड़ रही है, भाई को थप्पड़ कैसे मारती है. माशाल्लाह, इतने एक्शन, इतने माशाल्लाह, माशाल्लाह. ये बहुत एक्टिव है ना? अच्छा, मामा के घर से मैं आ गई थी, तो अभी थोड़ा सा घर का काम कर रही हूँ मैं. ये बर्तन भी धोने वाले, अभी साबुन लगा कर इनको रखा हुआ है. और यहाँ पे बन रहा है खाना. खाने में आज मैं बना रही हूँ लोबिया, लेकिन आज मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से लोबिया बना रही हूँ. पहले मैंने कभी इस तरह से नहीं बनाया.
और ये जो अब जब बनाऊंगी तो फिर पता चलेगा कैसा बना है। लेकिन ना ये जिस तरह से आज मैं बना रही हूँ ना, बड़ा ही क्विक सा मेथड है कि बस जल्दी जल्दी से बना लूँ इसको मैं ना, बहुत कम टाइम में लोबिया बना लूँ। रेसिपी मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं की है आज, क्योंकि मैं खुद देखना चाहती हूँ कि अगर मैं ऐसे लोबिया बनाऊँ तो कैसा बनेगा। अगर अच्छा बन गया तो फिर रेसिपी भी शेयर करूँगी। बड़ी मीठी है आप, बहुत मीठी है आप। मोनी मोनी मोनी, क्या बात है मोनी? हाँ करो 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 खराब करो। बहुत ही टेस्टी बना है। तो लोबिया बहुत ज्यादा मजे का बना था, बहुत ज्यादा, और इतना इजी है इसको बनाना। इंशाल्लाह जरूर आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत मजे का था ये। बगी बगी जी, इतने ग्राइंडर चल रहे हैं, दिखाओ। इतने ज्यादा ग्राइंडर चल रहे हैं बगी जी। वो भी बने हुए हैं तीन चार। ये देखें, यहाँ सोसाइटी में ही ना एक ट्री के ऊपर किसी ने कितने प्यारे प्यारे घर बनाए हुए बर्ड्स के लिए। ये देखें, ये भी है, तीन है, एक दो तीन चार पांच है, और कहाँ है मुझे वो तीन। अच्छा हाँ, वो एक पीछे भी है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बगीरा को आदत नहीं है ना हॉर्नेस पहन के आने की, तो इसलिए अनकम्फर्टेबल हो रहा है और बस कह रहा है कि मुझे छोड़ो और मैं ना खुद आजाद होके घूमूं फिरूं यहाँ पर। अभी यहाँ पे पार्क में शायद दोपहर को किसी का कोई फंक्शन हुआ है, अब यहाँ सारा कुछ वाइंड अप कर रहे हैं। बगीरा उन्हीं को देखी जा रहा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि मैं आज आपके साथ क्या बात करना चाहती हूँ। तो ये लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कमेंट्स में, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा थिंकिंग है ये। और बचपन से हमने भी अपने बड़ों को, अपनी नानों को या अपने नेबर्स को यही बातें करते हुए देखा है, अपने रिलेटिव्स में ये बातें बहुत ज़्यादा देखी हैं, ये लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव बन चुका है। सो आई थॉट कि अब मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि लोग कहते हैं कि रात को या अक्सर घर के बाहर जो है वो डॉग्स रो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे ये विंटर्स में एक आम होता है कि आधी रात को या रात को ना कुत्ते रो रहे होते हैं घर के बाहर। तो लोग कहते हैं कि बस अब कोई नहुसत आने वाली है, खुदा ना खास्ता कोई घर में मुसीबत आ जाएगी या किसी की डेथ हो जाएगी, या फिर अगर कैट्स भी रो रही हैं, या इवन लोगों के कुछ लोग जो कैट्स नहीं पालते, जिनको प्यार नहीं होता, उनके अगर छतों पे आके रात को कैट रोए तो वो जाके उसको मार कर भगाते हैं। ये आपको इन बातों का यकीनन आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखी होंगी ये बातें होती हुई ना। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इस बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, कोई नहुसत नहीं आती, बिल्कुल नहुसत नहीं आती है। इवन हमारी एक आंटी हैं, रिलेटिव्स में एक आंटी हैं,
तो उनके घर एक ही मेल कैट है, तो वो उनसे मैं जब मिली तो वो मुझे कहती हैं कि हमारा ना कैट जो है वो बहुत रोता है, तो मुझे डर लगता है कि ये कहीं ना हुसत ना आ जाए घर में, तो मैं उसको ना किसी और को दे देती हूँ। तो मैंने कहा आंटी ये इस वजह से नहीं रोता कि कोई नहुसत आने वाली है, खुदा ना खास्ता वो अकेला है आपके पास और वो अडल्ट कैट है, उसको लड़की चाहिए, उसको आप फीमेल ला कर दें। तो कैट जब भी रोती है या डॉग रोता है ना, वो किसी ना किसी वजह से रो रहा होता है, उसको कोई परेशानी होती है या उसको कुछ चाहिए होता है, वो तब रोता है। और अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर जाहिर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होते ही होते हैं कि तब आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है कि आपने एक बेज़ुबान की मदद नहीं की है। अब मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस बारे में। लास्ट विंटर्स की बात है, पिछले साल की बात है, उस टाइम ना सूजी जैनी सूजी के जो बच्चे हैं जैनी वगैरह ना, उस टाइम पैदा हुए थे 4 बच्चे, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, 1 मंथ के शायद थे, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया था ना बच्चों ने। तो ऐसे ही ना एक दिन रात को ना 3 बजे रोने की ना बहुत आवाज़ आए ना हमें सूजी की, सूजी रोए जा रही थी। हमने कहा पता नहीं क्यों रो रही है इतनी ज़्यादा। जब हमने बाहर, अब कोई और होता तो लोग समझते कि हाय नहुसत आने वाली है, कुछ होने वाला है, जब हमने बाहर जाके देखा तो सामने हमारे घर के बाहर न्यू घर बन रहा था, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उनकी होदी बनी हुई थी। तो सूजी का एक बच्चा जो है उस होदी के अंदर गिरा हुआ था, ना वो खुद निकल पा रहा था ना उसको सूजी निकाल पा रही थी, इसलिए सूजी रो रही थी हेल्प के लिए कि आओ मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा मर जाएगा। तो आप सेंसिबल होके सोचें, कैट या डॉग के कोई नहुसत नहीं होती। लोग कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहुसत आती है, काली बिल्ली आप देखें मेरा बगीरा कितना मासूम है, कितना मासूम है, इससे नहुसत आएगी? आपकी अपनी सोच की वजह से अल्लाह ताला आपको सजाएं देते होंगे जिन लोगों की इस तरह की सोच है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि घर में कोई मुसीबत आती है या कुछ होने वाला है। जब भी आप किसी जानवर को ऐसे रोता हुआ देखें, आप उसके पास जाएं, देखें उसको क्या ज़रूरत है, उसको कहीं पानी तो नहीं चाहिए, उसको कहीं बहुत भूख तो नहीं लगी हुई है। कैट्स रोते हैं तो उनको फीमेल चाहिए होती है। सो आई होप आपको पता चल गया। अगर इस्लाम में भी इस चीज़ का कहीं कुछ नहीं है कि हाँ भाई ऐसा होगा तो नहुसत आएगी, ये सब फजूल बातें हैं। और अपनी सोच को बदलें आप लोग भी, और इन क्यूट क्यूट से पेट्स का जो है ना बहुत प्यार दें, इनको बहुत ख्याल रखें। ये देखो कुछ चल रहे है, देखो हार्नेस लूज छोड़ी हुई है मैंने। आजो बगीरा, माशाल्लाह से अब हार्नेस पहन के चलना आ गए और मजे से चल रहा है और हर चीज को देख रहा है मेरा हैंडसम बॉय। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके फीचर्स मफिन से बहुत मिलते हैं। अब बगीरा को चलना आ गया हार्नेस पहन कर, है ना बगीरा? देखो ये देखो, मैं तो नहीं खींच रहा है, खुद चल रहा है। ये देखो खुद चल रहा है, देखो आप कह रहे खोलो जल्दी से, मैं अंदर जाऊं। मैंने अपने घर जाना है। अभी अब ये वाला, अब ना ये वाला देखने आएगा कि ये खुला है कि नहीं। देखो देखो तेरे को रास्ता कैसे पता है? हाँ सब कुछ पता है कि घर आ गया। अब इस लड़के को बड़ी ट्रिक्स आती हैं। तकी इधर। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।